कोक्स वर्सेस हिकमैन। इस केस के फैक्ट्स इस तरह हैं कि इसमें स्मिथ एंड स्मिथ जो अपना बिजनेस चला रहे होते हैं बी स्मिथ एंड सन के नाम से, वो किसी डिफिकल्टीज में आ जाते हैं और वो अपने क्रेडिटर्स का पैसा नहीं चुका पाते, तो स्मिथ एंड स्मिथ अपने क्रेडिटर्स के साथ एक डीड एग्जीक्यूट कर लेते हैं। वो अपना बिजनेस क्रेडिटर्स को सौंप देते हैं और क्रेडिटर्स को ट्रस्टीज बना देते हैं। वो क्रेडिटर्स को अपना बिजनेस हैंडल करने की पावर दे देते हैं और ये कहते हैं कि बिजनेस से जो इनकम होगी उससे क्रेडिटर्स अपना कर्ज वसूल कर लें और बाद में अपना कर्ज वसूलने के बाद बिजनेस वापिस से स्मिथ एंड स्मिथ के हाथ में आ जाएगा। तो ये डीड जो है एग्जीक्यूट कर ली जाती है और ये पांच क्रेडिटर्स जिनमें कोक्स और वीट क्रॉफ्ट भी होते हैं वो बिजनेस कैरी करते हैं SOS का अंडर द नेम द स्टैंटन आयरन कंपनी। इन पांच क्रेडिटर्स की बात करें तो इनमें तीन क्रेडिटर्स के अलावा एक कोक्स नाम का क्रेडिटर होता है और एक वीट क्रॉफ्ट नाम से क्रेडिटर होता है। डीड साइन होने के बाद कोक्स ने कभी भी एक्ट नहीं किया और वीट क्रॉफ्ट ने 6 हफ्तों के बाद ही रिजाइन कर दिया। देन उसके बाद ये जो तीन क्रेडिटर्स होते हैं ये हिकमैन से गुड्स ले लेते हैं बट हिकमैन को पैसा नहीं चुकाते। हिकमैन बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी भेजता है इनके पास जो कि एक्सेप्ट भी कर लेते हैं ये, लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करने के बावजूद भी ये हिकमैन की पेमेंट नहीं देते, तो इसलिए हिकमैन जो है सूट फाइल कर देता है कोक्स और वीट क्रॉफ्ट के अगेंस्ट उन्हें पार्टनर्स मानकर। लेकिन हमने जैसे कि पढ़ा कि कोक्स ने कभी भी एक्ट ही नहीं किया था और वीट क्रॉफ्ट ने पहले ही रिजाइन कर दिया था, लेकिन हिकमैन इन दोनों को पार्टनर्स एज्यूम करके इनके अगेंस्ट सूट फाइल कर देता है। तो इस केस का इशू यही रहता है कि क्या यहाँ पर जो डिफेंडेंट हैं, जो क्रेडिटर्स हैं, वो लायबल हैं हिकमैन को पे करने के। कोर्ट अपना ये डिसीजन सुनाती है कि यहाँ पर जो डिफेंडेंट्स हैं, जो क्रेडिटर्स हैं, वो लायबल नहीं है हिकमैन के। पांचों के पांचों क्रेडिटर्स जो हैं, वो कोई भी उनमें से लायबल नहीं है हिकमैन को पे करने के लिए। कोर्ट ये कहता है कि रियल इंटेंशन देखी जाएगी कि यहाँ पर पार्टनरशिप फॉर्म हो रही है या नहीं हो रही, क्योंकि स्मिथ एंड स्मिथ कंपनी ने जो डीड एग्जीक्यूट की थी अपने क्रेडिटर्स के साथ वो सिर्फ अपना डेट चुकाने के लिए की थी और क्रेडिटर्स ने भी उनका बिजनेस इसलिए एक्वायर किया था क्योंकि वो अपना डेट जो है वो वसूलना चाहते थे। इन दोनों पार्टीज की रियल इंटेंशन जो थी वो पार्टनरशिप करने की नहीं थी। स्मिथ एंड स्मिथ और इन पांच क्रेडिटर्स के बीच में जो रिलेशन है वो डेटर और क्रेडिटर का ही है, पार्टनर्स का नहीं है। ये जो पांच क्रेडिटर्स हैं ये एज एन एजेंट काम कर रहे थे स्मिथ एंड स्मिथ के लिए। ये बिजनेस अभी भी स्मिथ एंड स्मिथ का ही माना जाएगा। ये पांच क्रेडिटर्स जो है प्रिंसिपल्स नहीं है, प्रिंसिपल यहाँ पर स्मिथ एंड स्मिथ ही माने जाएंगे। तो इन द एंड इस केस का यही फैसला आया कि स्मिथ एंड स्मिथ और ये पांच क्रेडिटर्स जो है इनमें पार्टनरशिप का रिलेशन नहीं है, क्योंकि इन दोनों पार्टीज की जो रियल इंटेंशन है वो पार्टनरशिप करने की नहीं है। ये क्रेडिटर सिर्फ यहाँ पर एज एन एजेंट काम कर रहे थे SNS के लिए और SNS के लिए काम करके वो अपने प्रॉफिट कमाकर अपना डेट वसूलना चाह रहे थे। प्रिंसिपल जो यहाँ पर माना जाएगा वो SNS ही माना जाएगा, तो इसलिए ये जो क्रेडिटर्स हैं ये हिकमैन को पे करने के लिए लायबल नहीं है।